गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड। अभी हम एक चैप्टर पढ़ रहे थे, मेरी बहन। ये उसी के आगे का भाग है कि वो पार्क में पहुंच गया और बहन पर गुस्सा कर रहा है मनी मन। यही वे सब सोचते सोचते मैं झूले वाले पार्क में पहुंच गया। इस पार्क में बस एक ही झूला है, बाकी सब पता नहीं कब से टूटे पड़े हैं। झूले पर बच्चों का जमघट लगा रहता है, लेकिन आज उस झूले पर कोई नहीं झूल रहा था। जैसे वो जल्दी चला गया था ना, तो पार्क में झूले पर कोई भी नहीं था। मैं लपक कर उस झूले पर चढ़ गया, झूलने लगा। मैंने आंखें बंद कर ली और सब कुछ भूल गया। आंखें बंद करने पर भी मुझे पता चल रहा था कि मैं कब ऊपर पहुंचा, कब नीचे आया और फिर कब ऊपर पहुंच गया। मतलब वो झूले पर बैठकर जोर से झूलने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। और वो झूले पर झूलते हैं तो ऐसे ऊपर जाते हैं, फिर नीचे वापस आते हैं, तो उसको पता लग रहा था कि मैं कब ऊपर जा रहा हूँ और कब नीचे। अचानक एक झटका सा लगा और घबरा कर मैंने अपनी आंखें खोल ली। देखा, पिंटू और कक्कू ने झूले को पकड़कर रोक दिया था। पिंटू और कक्कू दोनों हमारे पड़ोस में ही रहते हैं, लेकिन कोई इनका दोस्त नहीं बनता। दो बच्चे हैं, देखो ये चित्र में दिखाई पड़ रहे हैं, पिंटू और कक्कू। तो ये गंदे बच्चे हैं, इनका कोई दोस्त नहीं बनता था। देखो कैसे उसको झूला से पकड़कर उतारने की कोशिश कर रहे हैं और उसका झूला रोक दिया। वे हमेशा सबसे झगड़ते हैं और बिना वजह दूसरों को परेशान करते हैं। मैंने जब देखा कि उन्होंने झूला पकड़ रखा है, तो समझ गया कि वे मुझे झूले पर से उतरने के लिए कहेंगे। ऐसा ही हुआ, पिंटू ने कहा, बहुत झूल लिया, चल उतर, अब हमारी बारी है। वो गंदे बच्चे थे ना, इसलिए गंदे तरीके से बात कर रहे थे और उन्होंने उसे बहुत ही गंदी तरीके से बोला कि अब उतर, अब हमारी बारी है, हम झूलेंगे। मैं तो अभी आया हूँ, मैं नहीं उतरूँगा। तो वो बच्चा बोला, मैं तो अभी भी आया हूँ। मैंने अपनी आवाज़ में सख्ती लाने की कोशिश की। अब वो छोटा था, जितनी ज़ोर से बोल सकता था वो बोला, लेकिन मैं अंदर ही अंदर समझ गया था कि अब वे झगड़ा करेंगे। वो छोटा था तो वो समझ गया था कि अब ये मेरे से बड़े हैं, अब ये मेरे से लड़ाई करेंगे। मैं यहाँ अब, कुक्कू ने कहा, सुना नहीं तूने, ये हमारा झूला है, चल भाग यहाँ से। तो वो पार्क में आते हैं ना, आते रहते हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि हमारा झूला है। पार्क में तो सबकी चीज़ें होती है ना, ऐसा थोड़ा ना किसी की पर्सनल होती है। मैं यहाँ पहले आया था, मैं क्यों उतरूँ, तुम कहीं और जाकर खेल लो। तो वो बच्चा कहता है कि तुम कहीं और चले जाओ, ये ऐसे नहीं मानेगा, कहकर कक्कू ने मुझे ज़ोर से धक्का दिया। मैं झूले से नीचे गिर गया। जैसे ही मैं गिरा, पिंटू ने मेरी कमीज पकड़कर मुझे खड़ा कर दिया और चिल्लाकर कहा, अब तू देख हमारी बात न मानने से क्या होता है। मतलब दोनों मिलके, उसे बड़े बच्चे थे वो, दोनों मिलकर उसे पिटाई लगाने लगे और उसकी कमीज पकड़ने लगे, उसको बुरा व्यवहार करने लगे। मैं बुरी तरह डर गया था, मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तो उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसने चीनू की आवाज़ सुनी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। छोड़ दे मेरे भाई को। चीनू कौन थी? उसकी बहन। वो भागी भागी आई और उसने कहा, छोड़ दे मेरे भाई को। मैंने आंखें खोल कर देखा, चीनू दौड़ते हुए मेरे पास आ रही थी। इतने गुस्से में मैंने उसे कभी नहीं देखा था।
तो उसकी बहन भागते हुए पास में आई, बहुत गुस्से में थी। चीनू को देखकर पिंटू और कक्कू हड़बड़ा गए। हड़बड़ा गए मतलब वो थोड़े से टेंशन में आ गए और एकदम उन्होंने देखा इधर उधर कि ये कौन आ गया। बहुत उनको आश्चर्यचकित रह गए कि ये कौन आ गया। पिंटू ने मेरी कमीज छोड़ दी, और पिंटू जो उसकी कमीज पकड़ के खड़ा हुआ था उसने कमीज छोड़ दी। चीनू को देखकर मुझे आज तक इतनी खुशी नहीं हुई थी। मैं खुश भी था और हैरान भी। अब चीनू उसकी बहन है, वो तो अभी बहुत गुस्से में गया था, और चीनू को देखकर उससे पहले कभी भी उसको इतनी खुशी नहीं हुई थी जितने आज हो रही थी, और थोड़ी हैरानी भी हो रही थी कि ये कैसे आ गई, ये तो पीपल वाले पार्क में गई थी। चीनू तो देखो, चीनू ऐसे मैंने बोला चिल्लाकर, देखो ये चित्र देखो, पूरा चित्र में वो बच्चा गंदा वाला जो है उसका कैसे कॉलर पकड़े हुए है, और दूसरा बच्चा भी पास में ही खड़ा है उसका हाथ पकड़ के, और वो छोटा ऐसा है बच्चा उसकी कमीज पकड़े हुए है देखो, और उसकी बहन चीनू दौड़ती हुई आ रही है और चिल्लाकर कह रही है रुक जाओ मैं अभी आती हूँ तुम्हारे पास। चीनू उसे पुकारा, किसने, उस बच्चे ने, अपनी बहन को, तब तक वह हमारे पास पहुंच गई थी। बोली, तुम दोनों को शर्म नहीं आती अपने से छोटे बच्चे को परेशान करते हुए, वो छोटा था ना इसलिए, मुकाबला करना है तो मुझसे करके देखो। तो वो कहती है मुकाबला करना है, यदि आपको सामना करना है, आपको फाइट करनी है तो मुझसे करो, मैं तुम्हारे बराबर की हूँ। नानी न याद दिला दी तो मेरा नाम चीनू नहीं, अब वो उनके बराबर की थी, वो बोलती है मेरे भाई को क्यों मार रहे हो, वो छोटा है, और मेरे से लड़के देखो, मैं तुमको नानी याद दिला दूंगी, मतलब मैं तुम्हारी खबर ले लूंगी, अभी बहुत तेज पिटाई लगाऊंगी, खबरदार अगर आज के बाद मेरे भाई को परेशान किया तो। उन लड़कों को वो धमकी देती है, याद रखना ये चीनू का भाई है, समझ गए। तो वो उन लड़कों को थोड़ा सा डराती है, कहती है कि ये चीनू का भाई है, इसको कभी भी मारना नहीं। कक्कू और पिंटू ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप खिसक गए। मैं अब मुस्कुरा रहा था, तो वो बच्चा है वो अब हंस रहा था, और कक्कू और पिंटू ने कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप से निकल गए और डर गए चीनू से। मैंने पूछा, चीनू तू यहाँ कैसे आ गई, तेरे साथ खेलने के लिए आई हूँ। उसकी बहन कहती है, अपने भाई को खेलने के लिए अकेले कैसे छोड़ देती भला। तो वो चीनू बहुत अच्छी लड़की थी ना, तो वो कहती है कि मैं अपने भाई को अकेला कैसे छोड़ती, मैं तो तेरे साथ खेलने आई हूँ, चल दोनों मिलकर पीपल वाले पार्क में खेलते हैं। अब वो अपने भाई को पीपल वाले पार्क में ही वापस ले गई। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर पीपल वाले पार्क की तरफ चल पड़े। अब पता है आपको पहले कितना गुस्सा हो रहा था चीनू के ऊपर, लेकिन अब वो दोनों भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के पार्क की तरफ चले गए। चीनू पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही थी, चीनू अभी भी उसको कुछ कुछ समझा रही थी, ये मत किया कर, वो मत किया कर, जैसे वो समझाती है ना बड़ी बहन है, क्योंकि वो तो वो अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं कर रहा था, पर उसकी बातें मेरे दिमाग में घुस ही नहीं रही थी। मैं तो एक ही बात सोच रहा था, दुनिया में सबसे अच्छी है मेरी बहन। तो अभी उसको अपनी बहन बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि उसने उसको उन गंदे लड़कों से बचाया था। अब ये देखो, अजय अक्षय कुमार दीक्षित की कहानी है मेरी बहन, तो बहुत अच्छी कहानी है, इसको पढ़ो जल्दी से, समझो, फिर हम इसका आगे का कार्य करेंगे, और आपस में समझो कि हमें भाई बहनों के साथ कैसे मिलके रहना चाहिए।